Welcome to One and All. We started with the chapter Operating Systems, and which is for 22 marks. We completed one topic from this chapter. Let's move to the next one, that is File System. In this file system, we are going to do about 6 to 7 marks. Okay? So let's start with this topic, File System and File Operations. File System. The file system allows the user to define files and directories and allocate and deallocate the disk space to each file. Means what? यहाँ पे कौन सी फाइल कहाँ स्टोर करनी, कौन से डायरेक्टरी में, किस लोकेशन पे, या तो कौन सी फाइल डिलीट करनी है फ्रॉम विच लोकेशन, ये सब पूरा यहाँ पे स्टोर होता है. ओके, मीन्स फाइल सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है. इट यूजेस वेरियस डेटा स्ट्रक्चर टू अचीव दिस. इसमें नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी यूज किया जाता है टू मैनेज दिस फाइल सिस्टम. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन फाइल्स. फाइल्स आर मैप्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू फिजिकल डिवाइसेस. मीन्स वॉट? जो भी इंफॉर्मेशन और फाइल वी आर मेंटेनिंग, ओके, तो हम लोग उसको सेव करते हैं. इनडायरेक्टली वो किसके थ्रू मैप होता है? बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाता है कि सेव दिस फाइल, एंड इफ यू विल क्लिक ऑन सेव, वो कहाँ पे जाके सेव होता है? वो फिजिकल डिवाइस में जाके सेव होता है. ओके, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. फाइल्स में क्या रहेगा? बहुत कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा. इट कैन कंटेन प्रोग्राम्स एंड डेटा. उसमें प्रोग्राम और डेटा हो सकता है. ठीक है, डेटा में भी न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक. ठीक है, तो डेटा कैसा भी हो सकता है, कौन से भी फॉर्मेट का हो सकता है, एंड फाइल कैन कंटेन प्रोग्राम एंड डेटा बोथ. ठीक है, तो कोई भी फाइल है, इट इज स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन फिजिकल डिवाइसेस. जो हमारा हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, जो फिजिकली वी कैन सी. ओके, सो वहाँ पे हमारा फाइल स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ ओएस. फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बीट्स, बाइट्स, लाइंस और रिकॉर्ड. फाइल क्या रहता है? मिनी, द बेसिक यूनिट इज बीट्स टू स्टोर. ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स विल मेक बाइट्स. सो फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बीट, बाइट्स, लाइंस एंड और रिकॉर्ड. ठीक है, ईच फाइल इज हैविंग नेम एंड एक्सटेंशन. तो हम जो भी फाइल स्टोर करते हैं, लाइक वर्ड फाइल है, XML है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. ठीक है, एवरी फाइल हैज इट्स ओन एक्सटेंशन, सो दैट वी कैन नो दैट ये फाइल का टाइप क्या है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. फाइल सिस्टम में क्या होता है? बेसिक यूनिट है एक ब्लॉक. कैसे है ये देखते हैं. इट इज यूनिट ऑफ डेटा. जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, सो वी आर स्टोरिंग दैट डेटा इन अ ब्लॉक. ठीक है, द ब्लॉक इज अ यूनिट अकॉर्डिंग टू ओएस. सो ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कीप्स ऑल इट्स डेटा स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक. तो ओएस भी है जो भी अपना डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर रहा है, इट स्टोर्स इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक. ओएस को क्या पता है कि डेटा हमें ब्लॉक में स्टोर करना है. ओएस को बस इतना पता है. वो ब्लॉक का मीनिंग क्या है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ट्रैक है, सेक्टर है, ओएस को कुछ नहीं पता है बाकी. ओएस वीव्स द डिस्क एज कंप्राइजिंग ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स. ओएस कैसे देखता है डिस्क को? बस उसे ये पता है कि ये जो डिस्क है इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं. हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, अ डिस्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर्स. ठीक है, हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता है कि ये जो डिस्क है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर्स. बट अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ ओएस, डिस्क कंप्राइजिंग ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स. तो ओएस क्या समझता है कि हम जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो ब्लॉक में हो रहा है. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर्स. सो बोथ आर सेम, दिस ब्लॉक एंड सेक्टर. ओके, सो समटाइम्स फॉर वन मार्क डेफिनेशन इट कम्स दैट स्टेट, ब्लॉक और सेक्टर. ओके, ट्रैक और सेक्टर, ऐसे कुछ भी आ सकता है. सो ट्रैक, सेक्टर क्या है? डिस्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेक्टर्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड. ओके, नाउ डिस्क, जो जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. ओके, इट इज मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सो आपको ये पता होना चाहिए, जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क होती है, दिस इज नोन एज सेकेंडरी डिवाइस. ओके,
Various types of secondary devices are there, like floppy disk and hard disk. But nowadays we are using hard disk only. Floppy disk बहुत पहले use होता था, now it is not in used. Third one, hard disk consists of multiple floppy disk. Hard disk में क्या है? Number of floppy disk ही है. Okay? कैसे है? We'll see further. So in this file system, we'll first see floppy disk. Let's see. Floppy disk is made up of round piece of plastic material coated with a magnetized material which is used for recording. तो ये देखो, floppy disk actually बाहर का जो tough layer होता है plastic का black color का, वो square होता है. Internally एक round circle रहेगा. Okay? सो वो कह रहा है कि ये जो राउंड पीस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल है, इट इज़ कोटेड विद मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. इसमें जो ऐसा मटेरियल है जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है. ओके, द सरफेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड एज ट्रैक्स. तो ये जो सरफेस है, इसके अंदर ऐसे राउंड राउंड ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हैं. ओके, जिसको क्या कहते हैं? ट्रैक. ये जो है, ये ट्रैक है. ट्रैक्स आर नंबर्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट ट्रैक. जैसे ये आउटर मोस्ट ट्रैक से नंबरिंग स्टार्ट होती है. दिस इज ट्रैक नंबर 0, देन 1, देन 2, ऐसे इट गोज टू इनर मोस्ट. ओके, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑफ इक्वल साइज. तो सेक्टर कैसे होता है? सॉरी, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. ऐसे टोटल सेक्टर्स आर 8, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3. आई एम हैविंग दिस स्ट्रक्चर फर्दर, एट प्रेजेंट जस्ट शोइंग यू. ओके, 0 to 7 सेक्टर्स. सो ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर ऑफ इक्वल साइज. अ सेक्टर कैन स्टोर अप टू 512 बाइट. एक एक जो ये सेक्टर है, ये 512 बाइट डेटा स्टोर कर सकता है. ओके, डबल साइडेड फ्लॉपी हैव टू साइड ऑन विच डेटा कैन बी रिकॉर्डेड. तो डबल साइडेड फ्लॉपी अगर है तो क्या है, उसके दोनों साइड जो राउंड पीस ऑफ मटेरियल है, ओके, उसमें दोनों साइड में डेटा रिकॉर्ड हो सकता है. और ये जो थिन मटेरियल जो रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, तो इसको सिक्योर रखने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए, वी आर हैविंग हार्ड प्लास्टिक कवर ऑन इट. ओके, सेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय कंपोनेंट ऑफ एड्रेस, सरफेस नंबर, ट्रैक नंबर एंड सेक्टर नंबर. ओके, अगर कुछ हमें फाइंड आउट करना है डेटा कहाँ स्टोर है, तो क्या रहता है? सरफेस नंबर, दैट इज सरफेस नंबर इज ऑलवेज 0 और 1. दो चीज़ें होती हैं, या तो सरफेस 0 मीन्स दोनों साइड है ना, टॉप एंड बॉटम, सो 0 और 1 से डिनोट होता है. देन ट्रैक नंबर, कौन से ट्रैक पे जाना है, कौन से सेक्टर में जाना है, मीन्स कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया जाता है. ओके, एड्रेस कैसा रहता है? सरफेस नंबर. सरफेस मींस टॉप पे है या बॉटम वाले साइड में, 0 सरफेस पे और 1. फिर कौन से ट्रैक पे है और कौन से सेक्टर में है, सो वी कैन गेट अ पर्टिकुलर सेक्टर फॉर दैट. ओके, सो दिस इज नोन एज द एड्रेस. नेक्स्ट, सी दिस इज योर फ्लॉपी. ओके, ये एक ऐसे हार्ड प्लास्टिक कवर में होता है. फ्लॉपी किस चीज़ का है, क्या टॉपिक है उसमें अंदर, कौन सा डेटा है, आप इस पे लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो. इसके अंदर जो एक सर्कल है, इट इज़ लाइक दिस. ओके, एंड दीज थिंग्स आर नोन एज ट्रैक. ये जो है ना लाइन, दीज लाइन्स आर नोन एज ट्रैक, एंड दिस इज नोन एज सेक्टर. दिस इज वन सेक्टर. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे सेक्टर्स ज़्यादा है, बट एक्चुअली वी आर हैविंग 8 इन दिस फ्लॉपी डिस्क. ओके, सी यू कैन सी दिस. ओके, टू सरफेस, साइड 0 एंड साइड 1, टॉप एंड अंडर. ओके, तो दोनों साइड में डेटा स्टोर होता है. डेटा हमेशा ट्रैक नंबर जो रहता है,
आउटर मोस्ट लेयर से इनर मोस्ट की ओर ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा भी स्टोर होता है आउटर टू इनर, एंड डेटा दोनों साइड स्टोर होता है, सरफेस साइड जीरो पे भी साइड वन पे भी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइक कॉल्ड एज ट्रैक्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्ड डिस्क का जो बेसिक यूनिट है वो फ्लॉपी डिस्क ही है। ओके, फ्लॉपी डिस्क में जो सर्कल है वो एक था, सिंगल था, बट हियर वी हैव स्टैक नंबर ऑफ ओके दैट डिस्क। सो लेट्स सी, ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू अगेन नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर्स ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। तो जो भी ट्रैक है उसमें हर एक ट्रैक में सेम नंबर ऑफ सेक्टर्स होंगे। अगर फर्स्ट ट्रैक में 8 सेक्टर हैं तो सेकेंड ट्रैक में भी 8 सेक्टर होंगे। ओके, सेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ एड्रेस लाइक सरफेस नंबर, ट्रैक नंबर एंड सेक्टर नंबर, लाइक वी डिड इन फ्लॉपी डिस्क। द डिस्क ड्राइव फॉर हार्ड डिस्क हैव इट्स रीड राइट मैकेनिज्म, बट हार्ड डिस्क में क्या है, रीड राइट मैकेनिज्म है। वो कैसे है विल सी फर्दर। रीड राइट हेड फॉर ईच सरफेस कनेक्टेड टू अ आर्म, उसमें एक आर्म होता है जिसके थ्रू सारे जो एक्चुअल में रीड राइट हेड कनेक्टेड है, और वो पूरा एक मैकेनिज्म है जिसमें पूरा स्टैक ऑफ फ्लॉपीज जो है वो मैनेज करता है। रीड राइट हेड जो है वो आर्म है जो वो पूरा कनेक्ट किया हुआ है। किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, यू कैन सी हियर, सी दिस इज नोन एज रीड राइट हेड। इसने सारे फ्लॉपीज को अच्छे से मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये हर एक फ्लॉपी के बीच में ये रहता है जिससे ये डेटा स्टोर करने के लिए, रन करने के लिए रीड राइट हेड जो ये है ये प्रॉपरली उसी लोकेशन पे जाता है। ओके, इट मूव्स लाइक दिस टू दिस, आउटर टू इनर और इनर टू आउटर साइड में ये आर्म मूव करता है। ओके, आर्म कैन मूव इन और आउट टू पोजिशन इट सेल्फ ऑन एनी ट्रैक। वो जो आर्म अभी मैंने आपको बताया वो किधर भी मूव कर सकता है टू पोजिशन इट्स इट सेल्फ ऑन इट्स एनी ट्रैक। अगर हमें कोई डेटा रन करना है वो कौन से ट्रैक पे है, दैट फाइल सिस्टम इज नोइंग। ओके, तो वो ट्रैक पे उसे जाने के लिए उस आर्म को वो खुद को मूव करेगा। ओके, व्हाइल डिस्क रोटेट एट कॉन्स्टेंट स्पीड, डिस्क कितना भी जो भी उसका स्पीड होगा उस पर रोटेट कर रहा है, बट रीड राइट हेड विल पोजिशन इट सेल्फ ऑन एनी ट्रैक। ओके, सेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ एड्रेस सरफेस नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर, ठीक है। तो इसलिए जिससे हमारा रीड राइट हेड जो है वो अप्रोप्रिएट प्लेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जिधर भी डेटा स्टोर किया होगा ये रीड राइट हेड अकॉर्डिंग टू सेक्टर नंबर, ट्रैक नंबर एंड सरफेस नंबर, इट विल गो टू दैट डेटा और फाइल। देखो अभी ये नेक्स्ट वाला है, इसमें देखोगे ये एक फ्लॉपी का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, एंड वी आर हैविंग नंबर ऑफ फ्लॉपी और स्टैक ऑफ फ्लॉपी इन हार्ड डिस्क। सी जस्ट हियर 4 आर गिवन, बट वी आर हैविंग स्टैक। ओके, जो ये जो है ना ये सेंटर में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड यू कैन सी एक के ऊपर एक, मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। ओके, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इट इज स्टोर्ड। और आप देखोगे हार्ड डिस्क का वेट बहुत ज़्यादा होता है, एंड ईच दिस प्लेटर इज लाइक दिस। ओके, लाइक सेक्टर्स, ट्रैक, इट इज इन दिस फॉर्मेट। एंड यू कैन सी ये जो कलर्ड पार्ट है दीज आर यूज्ड सेक्टर, मीन्स यहाँ यहाँ पे डेटा स्टोर हो गया है। ओके, जो ब्लैंक है वो आप देख सकते हो ऑल आर इन सिंगल कलर, दैट इज वाइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सी दिस इज एक्टिवेटर आर्म विच इज यूज टू पोजिशन इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फाइल। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज द ट्रैक, ये पूरे ट्रैक में डेटा स्टोर है, ये पूरा जो डिस्क सेक्टर है इधर भी ये पूरा फिल है। ओके, तो ऐसे डेटा स्टोर होता है, क्लियर ना। एंड हार्ड डिस्क में ये आर्म कंपल्सरी होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, फाइल सिस्टम।
फाइल सिस्टम में एक्चुअली जो नेक्स्ट हमें टर्म्स पढ़ने हैं फॉर 3 to 4 marks, वी आर गेटिंग इन एग्जाम 3 terms for 3 marks, दैट इज सीक टाइम, रोटेशनल डिले और लेटेंसी एंड ट्रांसमिशन टाइम. समटाइम्स इट इज़ फॉर 4 marks. द फर्स्ट वन इज ट्रैक्स एंड सेक्टर, सीक टाइम, रोटेशनल डिले एंड ट्रांसमिशन टाइम. ओके, सो ट्रैक्स एंड सेक्टर के लिए यू हैव टू जस्ट ड्रॉ वन सर्कल एंड यू हैव टू शो दैट वॉट ट्रैक्स क्या है, सेक्टर्स क्या है, यू हैव टू राइट 1-1 points, दैट विल गिव यू 1 mark. समटाइम्स इट कम्स ओनली लेटेंसी, तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ बोथ आर सेम. सो लेट सी 1 by 1. सीक टाइम, वॉट डू यू मीन बाय सीक टाइम? द टाइम टेकन टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक इज नोन एज सीक टाइम. मीन्स वॉट? देखो, अगर आपका ये आर्म ट्रैक नंबर 10 पे है, ओके, बट अकॉर्डिंग टू द फाइल सिस्टम जो भी फाइल रीड हो रहा है, दैट फाइल इज ऑन ट्रैक नंबर 7. यहाँ पे आपका फाइल है, ओके, यहाँ पे क्या है, फाइल है. सो एक्चुअली योर आर्म इज हियर एट 10th place, ओके, एंड यू हैव टू कम टू, मतलब 10th track पे है और उसे 7th track तक आना है. ओके, मीन्स टाइम टेकन टू कम टू अट अ पर्टिकुलर ट्रैक, दैट इज योर सीक टाइम. सीक टाइम विल बी अकॉर्डिंग टू द ट्रैक. ओके, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाने के लिए, मीन्स एट प्रेजेंट आर्म जिस ट्रैक पर है उस ट्रैक से रिक्वायर्ड ट्रैक तक जाने के लिए आपको जितना टाइम लग रहा है, दैट इज सीक टाइम. ओके, विल रीड इट अगेन. द टाइम टेकन टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक इज नोन एज सीक टाइम. ओके, अकॉर्डिंग टू द फाइल सिस्टम, अभी जो भी फाइल के लिए ये सीक टाइम फाइंड आउट करना होगा. सपोज करेंटली योर आर्म इज एट 10th track एंड अकॉर्डिंग टू द फाइल सिस्टम जो भी फाइल लोड हुआ रहेगा वो 6th or 7th track पे. सो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम 7th to 10th, 10th to 7th, ओके, ये जो बीच में 3 track हैं वो 3 track क्रॉस करने का जो टाइम है, दैट इज योर सीक टाइम. आई होप कि आपको ये सीक टाइम क्लियर होगा, हुआ होगा, बिकॉज सीक टाइम इज अकॉर्डिंग टू द ट्रैक, कीप इन माइंड. नाउ रोटेशनल डिले और लेटेंसी, टाइम टू रीच अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑन ट्रैक इज कॉल्ड एज रोटेशनल डिले. नाउ इट्स जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, बट बोथ आर सिमिलर. नाउ अभी अगर आपका आर्म ये सेक्टर नंबर 0 में है, ओके, और जहाँ पे अभी नेक्स्ट डेटा अपलोड जो हो रहा है वो आपका सेक्टर नंबर 4 में है, दिस इज 0, 1, 2, 3, ओके, तो आपका जो डेटा अभी रन हो रहा है दैट इज इन सेक्टर नंबर 3. सो टाइम टेकन टू मूव द आर्म फ्रॉम अ गिवन सेक्टर जहाँ पे आपको जाना है, ओके, जिस सेक्टर पे वो है वहाँ से एट अ पर्टिकुलर सेक्टर अगर उसे मूव करना है, सो टाइम टेकन टू दिस मीन्स प्रीवियस सेक्टर टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज नोन एज रोटेशनल डिले. तो ये आर्म को जहाँ पे पहले सेक्टर में था उस सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक मूव करने के लिए, रिक्वायर्ड सेक्टर तक मूव करने के लिए जो टाइम लगा है, दैट इज नोन एज रोटेशनल डिले और लेटेंसी. कुछ तो डिले होगा ना, सो दैट इज नोन एज रोटेशनल डिले. ठीक है, सो सीक टाइम इज द टाइम अकॉर्डिंग टू द ट्रैक लाइक दिस, एंड रोटेशनल डिले इज द टाइम अकॉर्डिंग टू द ट्रैक, सॉरी सेक्टर. ओके, रोटेशनल डिले जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्टर है एंड सीक टाइम इज अकॉर्डिंग टू द ट्रैक. आई होप अब आपको ये दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा. ओके, नाउ द थर्ड वन, ट्रांसमिशन टाइम. टाइम टेकन टू दिस ऑपरेशन, दैट इज activate read write head for appropriate surface and read data is called as transmission time. जो हमारा read write head है, जो arm में fit है, okay, according to the need of user, read write head कहीं पे भी हो, उसे according to the need of user, उसे एक particular surface पे जाना है, track पे जाना है, sector में जाना है और data को read करना है, okay, so time taken to move from surface and टू रीड द डेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन टाइम.
ओके, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग कि हार्ड डिस्क का आर्म किधर है एट प्रेजेंट. तो जैसे ही यूज़र ने कुछ डिमांड किया किसी फाइल का, तो हार्ड डिस्क का आर्म मीन्स जहाँ से वो रीड करता है, रीड राइट हेड, वो जिस भी प्लेस पे होगा वहाँ से उसे अप्रोप्रिएट सरफेस पे जाके उस फाइल को रीड करना है. ओके, उस डेटा को रीड करना है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसमिशन टाइम. सो आई होप कि ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा. सीक टाइम इज़ द टाइम टेकन टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक, ट्रैक टू ट्रैक है ये, दिस इज टी टू टी, दिस इज सेक्टर टू सेक्टर, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर. ओके, एंड ट्रांसमिशन टाइम, टाइम टेकन टू रीड राइट हेड फॉर अप्रोप्रिएट सर्फेस एंड रीड डेटा, उसे एक प्रॉपर सर्फेस पे भी जाना है, जीरो सर्फेस और वन सर्फेस, और उसे डेटा सर्च करके रीड भी करना है. ओके, सो टाइम टेकन फॉर दिस टू डू इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम. ओके, दिस इज रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस थ्री डेफिनेशंस आर रियली इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फाइल ऑपरेशंस. फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ फाइल, इट मे कम इन योर एग्जाम फॉर 3 to 4 marks. ओके, इफ ओनली 3 operations will come, so it will be for 3 mark. Okay, with definition only 3 will come, then it will be for 4 mark. So file में क्या होता है, related information store होता है. Operations क्या क्या है, create a file, write to a file, read a file, rewind or delete. अगर हमने file create किया है तो क्या करते हैं उसमें, write करना है, read करना है, rewind करना है and delete करना है. So just we will see the meaning. Create a file. For creating a file, first whether sufficient space is available for that file is checked. If it is available, entry for new file must be made in directory. What is the meaning? अगर यूजर ने एक फाइल क्रिएट किया है, वो कुछ नया एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, OS will check that कि मेमोरी में स्पेस है कि नहीं. ओके, इफ इट इज देयर, सो एंट्री फॉर दैट न्यू फाइल मस्ट बी मेड इन डायरेक्टरी. ओके, तो न्यू एंट्री हो जाएगी उस फाइल की. नाउ द नेक्स्ट वन, राइट टू अ फाइल. फॉर राइटिंग टू अ फाइल देयर इज अ कमांड इन विच द फाइल नेम इज गिवन. ओके, अगर हमने कोई एक फाइल पहले से प्रिपेयर करके रखी है बट अभी उसमें और कंटेंट हमें ऐड करना है, देन वॉट वी विल डू, विल जस्ट सर्च दैट फाइल. ओपन में जाएंगे हम, फाइल जहाँ पे फाइल नेम टाइप करना है, विल गिव फाइल नेम. सो सेम इज रिटन हियर, देयर इज अ कमांड इन विच नेम ऑफ द फाइल इज गिवन. एक ऐसा कमांड होगा जहाँ पे हमें फाइल नेम देना है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल सर्च फॉर दैट फाइल. OS क्या करेगा, वो फाइल को सर्च करेगा. सर्च करने के बाद उस फाइल में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी हमें लिखना है, विल राइट टू दैट फाइल. ओके, रीडिंग अ फाइल. फॉर रीडिंग अ फाइल देयर इज अ सिस्टम कॉल इन विच फाइल नेम इज स्पेसिफाइड. सेम वे टू राइट जैसे किया था, एक कमांड होगा, एक सिस्टम कॉल होगा जिसमें हमें फाइल नेम स्पेसिफाई करना है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को सर्च करेगा. ठीक है, और वो जो एंट्री फॉर रिक्वायर्ड फाइल इन डायरेक्टरी एंट्री एंड रीड इट. ठीक है, जो भी फाइल हमें फिर मिलेगी, और वो अगर हमारी रिक्वायर्ड फाइल है, देन यू हैव टू रीड दैट फाइल, मीन्स यूजर विल रीड दैट फाइल. ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू गिव अ सिस्टम कॉल, मीन्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम कॉल यू हैव टू पुट द नेम ऑफ फाइल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विल सर्च दैट फाइल फॉर रीडिंग, फॉर राइटिंग. ओके, रिवाइंड. The directory is searched for appropriate entry and file is reset to the beginning of file. ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, OS जो है वो सर्च करेगा appropriate entry, जो भी फाइल नेम हमने एंटर किया है, एंड फाइल इज रीसेट टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, डिलीट अ फाइल. टू डिलीट अ फाइल अगेन डायरेक्टरी एंट्री इज सर्च्ड. जहाँ पे भी कमांड है वहाँ पे हम फाइल में सर्च करेंगे. इफ इट इज फाउंड, अगर वो फाइल हमें मिलेगा, मीन्स OS को मिलेगा, इट रिलीजेस द मेमोरी स्पेस. तो वो उसे रिलीजेस द मेमोरी स्पेस मीन्स डिलीट करेगा उस फाइल को, एंड दैट डायरेक्टरी एंट्री नाउ बिकम इनवैलिड. फिर जो एंट्री हमने बोला था सर्च करने के लिए, सर्च ABC फाइल, फिर
फिर वो इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज दैट इज ऑलरेडी डिलीटेड. ओके, सो ये सिंपल ऑपरेशंस है विच वी आर डूइंग इन अवर डे टू डे लाइफ. आई होप ये ऑल फाइव आपको समझ में आ गए सो दैट यू कैन स्कोर और सिक्योर 3 to 4 मार्क्स फ्रॉम दिस फाइल ऑपरेशंस. ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू एलोकेशन मेथड्स. सो प्लीज प्रिपेयर ऑल दिस टॉपिक्स सो दैट यू कैन लर्न द नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपरली. ओके, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज मेंशन थ्रू कमेंट और थ्रू ईमेल. थैंक यू क्लास.